ऐसे ऐसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सारे नाटक लोग करेंगे। इनको पानी नहीं चाहिए, इनको केवल वोट चाहिए। इस तरह का ये नाटक है। टीआरसीपी के खिलाफ आप बीजेपी नहीं है। कांग्रेस को, विशेष रूप से गहलोत को, जब सत्ता जाती हुई दिखाई देती है तब इसको सारी समस्याएं, सारे समाधान, सारे विधेयक, सारे कानून लागू करने की याद आती है। 4.5 साल तक तो शांति से बैठे रहे, अब लगता है कि मैं सरकार में वहां पे नहीं आ पाऊंगा तो इस प्रकार के कानून या बातें ला करके अपनी इमेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन चीजों का न तो बजटीय प्रावधान है, न कहीं कहां से पूरी करेंगे, इनके नियम बंधन बनेंगे, उसी में आचार संहिता आ जाएगी। केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए इस प्रकार के कानून ला रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं लाना था तो आपको 4 साल पहले लाने के लिए किसने रोका? आप लाते तो हम भी देखते लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। अब इस प्रकार के विधेयक कई प्रकार के पिछले दिनों धड़ाधड़ एक एक दिन में 4 और मैंने लगता आगामी ये 20-25 विधेयक केवल अंतिम समय पर लाना यह संविधान की और कानून की सम्मत नहीं है। एक एक पे खुली बहस हो, समय हो और उसकी क्रियान्वयन के उसमें निश्चित समय सीमा हो तो इसका लाभ। पीएम के खिलाफ कांग्रेस टीआरसीपी को लेकर 13 दिनों में अभियान चला रही है। यह मैं कहता हूँ, ये सारे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सारे नाटक लोग करेंगे। इनका मन स्पष्ट नहीं है कि टीआरसीपी लाना है। यदि मानो लाना होता तो जो इसमें तकनीकी खामियां बताई गई हैं उसको ये दूर करते। मध्य प्रदेश के साथ मिला हुआ है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के सेक्रेटरीज या मंत्री लोग मिल करके इसका प्रावधानों पे चर्चा करते, समाधान होते। कई बार इनको चेताया कि आप इन खामियों को दूर करके लाओ तो निश्चित रूप से हमारी सरकार टीआरसीपी के खिलाफ और बीजेपी नहीं है। और केंद्र ने तो कई बार इनको कहा है लेकिन इनको पानी नहीं चाहिए, इनको केवल वोट चाहिए। इस प्रकार का ये नाटक कर रहा। सर, ये डेड बॉडी को लेकर इन्होंने अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है डेड बॉडी को लेकर तो ऐसे लोगों पे, ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करने वाला बिल लेकर आई है कांग्रेस सरकार। बिल को आप किस नजरिए से देखती है बीजेपी? ये कानून आपातकाल की याद दिला देता है। क्योंकि सारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो जाए और इसमें शव बॉडी का है उसका सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी की शायद असहमति नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार से कानूनी प्रावधान है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, किसने की, यानी कहीं प्रोटेस्ट करने का उसमें कोई प्रावधान ही नहीं। यहाँ तक कि कोई राजनीति का कोई नेता जाएगा तो 5 साल की सजा, वो करेंगे तो 1 साल की सजा, वो करेंगे 2 साल की सजा। यह तो एक तरह से मीसा कानून की याद दिलाता है। जब कोई सुनवाई नहीं, जो हम कहें उसका करो, उससे नीचे के पुलिस अधिकारी मनमानी करेंगे और इस पे लोगों के ऊपर अनाचार और अत्याचार बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ इस कानून को हम राज्यपाल से भी हम निवेदन करेंगे कि इस कानून पे सहमति न दें।